नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी मैथ नंबर वन पर। क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर मेरा 3.2 है, जिसमें आपको हम बताएंगे 3.2 नहीं बल्कि ये 3.3 है। ये 3.3 का ये टॉपिक है, निम्नलिखित का प्रतिवर्त ज्ञात करें, मतलब ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, आपको इस वीडियो में इसकी जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं, वास्तव में ये होता क्या है। आइए शुरू करते हैं। एक सवाल है, ए बराबर दे रखा है आपका 5, 1/2 माइनस 1, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो आपको ट्रांसपोज निकालना है तो ए डैश लिखिए, या इसका एक और ऑप्शन है ए इसके ऊपर टी लिखिए, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए। इसको करेंगे क्या कि ये रो है, ये देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल कलम है, इसको सीधे हम लोग बदल देंगे रो में। मतलब रो को कलम को रो में बदल देना, कलम को रो में, रो को कलम में बदल देना ट्रांसपोज कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए, सब आंसर देखिए पहले। ये आपको कलम है, इसको सीधे रो में बदल देना है, 5, 1/2 और माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये ऐसे आंसर आ गया, मतलब ये रो था, ये खड़ा था, आपने ऐसे घुमा दिया, पट हो गया, मैंने रो में बदल गया। ये कलम था, ये रो में बदल गया, तो इसी को हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। हो गया आंसर, यही आपका आंसर है। ट्रांसपोज निकालना बिल्कुल आसान होता है, मैंने प्रतिवर्त निकालना आसान है, रो को कलम में बदल दीजिए, कलम को रो में, आंसर हो गया। आइए एक और सवाल देखते हैं, कोई दूसरे टाइप से। ये बी बराबर दे रखा है 1, 2 माइनस 1 माइनस 3, आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी डैश, या आप लिखेंगे बी इसका पावर टी, ट्रांसपोज ऑफ बी। हमने आपको क्या सिखाया था कि रो को कलम में बदल दीजिए, या नहीं तो कलम को रो में बदल दीजिए। तो चलिए देखिए, यही रो है, हम इसको बदल देते हैं कलम में, तो 1 - 1 लिखा जाएगा। ये देखिए, ये फिर रो है, इसको कलम में बदल दीजिए, तो 2 और -3, ये हो गया। मतलब इसको घुमा देना है, ये वाला को ऐसे घुमा देना है, ये वाला को ऐसे घुमा देना है, ये फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और ट्रांसपोज निकालने का वाकई में आप सीख गए होंगे। अगर सीख गए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। इसके पहले मैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर 1, 2 और ये 3 पर वीडियो पढ़ रहा है। इन सारे चीज़ों का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से, आप उसको देखिए, सीखिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। किसी प्रकार के त्रुटि हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करिए ताकि मैं इसका सुधार कर सकूँ। इस चैनल पर अभी तक मैं क्लास 1 से 11th क्लास तक टोटल मैथ का वीडियो चैप्टर वाइज दे दिया हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको उसका फ़ायदा मिल सके। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को।